मोहतरम जनाब सैयद अब्दुल कादर गिलानी साहब इंशाल्लाह एमएनए 154 स्टेज पे बैठे हुए सारे दोस्त राणा अरशद साहब जमशेद आबाद पप्पी साहब हामिद शवाक गुच्चा साहब सईद खैरल साहब असगर लोधी साहब कासिम आहिर साहब गुलाबे आले ते पांच मरला स्कीम दे मेरे गयूर दोस्तों बुजुर्गों भरावों अस्सलाम अलैकुम सारा तू पहले ते मैं शुक्रिया अदा करे ना मार अहमद आहिर साहब का जिन्ना आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शमूलियत इख्तियार की है और ये अहद किया है कि आज तो बाद सियासत यूसुफ रजा गिलानी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाल करे जिंदाबाद मैं तो आपको ये दसामना चाहना कि जहांगीराबाद वो यूनियन काउंसिल है जिंदे 2013 के मैं इलेक्शन लड़ता पिया हूं तो मैं अगवा थी गया ये वो यूनियन काउंसिल है मेरे 3 साल अगवा तो बाद अल्लाह ताला ने करम कीता तुहाडी दुआवां पूरे पाकिस्तान की दुआवां मैं थोड़ा मशहूर हाँ तो मेरे से दुआ की थी आज अल्लाह ताला ने कोई दूसरी जिंदगी दी थी मैं थोड़े में मौजूद हाँ मेरी आखिर का मकसद यह है कि मेरे अगवा तो बाद मेरे को 2 साल थी गए अपने हल्के मैं वल वापस आके आवाम की उम्मीद खिदमत करता पाया जिमें मैं 5 साल पहले की है मैं भरपूर कोशिश की है कि अपने सूबाई हल्के की मैं नुमाइंदगी कर सका अपने सूबाई हल्के की मैं संभाल कर सका खुशी होवे ये थोड़ी तो कोई गमी होवे मैं थोड़े तो मैं शिरकत की है मैं ये दावा नहीं करेंगा कि मैं 100% खुशी गमी इस मेरी अटेंडेंस से ये मैं शमूलियत अख्तियार की है 100% लेकिन मैं ये गाज दावे ना कर सकना कि जितनी हाजिरी मेरी है इस सुबाई हल्के भाई किसी लीडर भी नहीं है सैयद अली हाजर गिलानी सैयद अली हाजर गिलानी इनका फैसला तो क्या करना है मैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब को आज मुबारकबाद पेश करे ना कि यूनियन काउंसिल जंगीरा बहुत ही ए वार्ड गुलाबे आला पांच मर रहा है इंशाल्लाह ताला सारे मुखालफों को पोलिंग एजेंट मिलना मुश्किल थी वैसे इंशाल्लाह आपको पेश की मुबारक है इंशाल्लाह सारे मुखालफों को यही जहाज उसे पोलिंग एजेंट मिलना बड़ी बड़ी गाल होती मैं अल्लाह ताला को डर के मखदूम साहब को मुबारकबाद पेश करेगा और तो सिर्फ मुख्तसर जहा पैगाम देना चाहना मुख्तसर जहा पैगाम कि तुसा मुआवजना कर लो इत्था जेड़े एमएलए दे उम्मीदवार होसन या एमपीए दे उम्मीदवार आसन तुहाडे कोल वोट मंगण वास्ते तुसा बस हाली तक उन्हां कोल निशान कह नहीं हाली तक जितने भी लीडर इत्था हैं उन्हां कोल कोई निशान नहीं इसे पर तुहाडे कोल वोट मंगण ही नहीं आंदे पए वो क्या आसन तुहाडे कोल आके इत्था दा क्या निशान है अगर वो आसन ही सही लेकिन असा फखर नाल फिर और अखी मिला के तोड़े नाल गाल कर सकने हैं और तो दसा सकने हैं कि सारा निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर है और पिछले 30 साल सारा ही का निशान है इस गाल से तो फखर है कैसा अपनी लीडर की कबर ना वफा की है वो तो अपनी उन्होंने लीडर तो जींदे है ना उन्होंने लीडर तो जींदे वो अपने जींदे लीडर ना वफा नहीं कर सकते थोड़े ना क्या वफा करे सर तुसा मुआवजना करना है सारे खानदान की अब्दुल कादिर गिलानी साहब की शख्सियत की जेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने नाल मैं अपील करे ना तो
मैं तो आपको अपील करेना कि तुसी तुसा खलूसे दिल नाल अपने ईमान नाल तुसा मुआवजा करना अब्दुल कादर जिलानी दी शख्सियत दा उन्हां रस्सागीरां दे नाल उन्हां लोकां दे नाल। मैं अज अपील करेना इमरान खान साहब को कि जेड़ा शख्स आ जाए कि मैं बड़ा वड्डा सुमर खान हाँ और मैं जी सीट जीत के तेरे कदम सटे था मैनू सीट दो और हुंदा वदा मैं इमरान खान को रिक्वेस्ट करना कुछ को पाकिस्तान पीटीआई टिकट दे दे केड़ा खौफ है हुंदा ये इस हल्के की आवाज को केड़ी मोहब्बत दिखती है। पांच साल मखदूम साहब के वजारत उस्मान के दौर है और वजीर नायब वजीर आजम रहे इतू का एम पी रहे हर बार पहले सालों इस्तेमाल किए लेकिन इतना ना है इतना ना अहल एम पी ए इतना ना अहल सांसदान मैं अपनी जिंदगी से दिखा जेड़ा हर बार पहले फंड हल्के इस्तेमाल करके बेशुमार नौकरियां दे के इलेक्शन नहीं लड़ सकता और मरहूम मिंगा से इमरान खान की जमात का और मैं उन्हें मिन्नत से लीड पार्टी लीडर था 2013 से थारी 2013 से आदा ही मेरे को नून दी टिकट है हर बंदे को दिखाता ही ये देखो सही मेरे जेब में टिकट है बस 2013 नून दी जेब फिटी गई। मैं आज ही उन्हें बोला अपना के जेब को काबू रखा है ये ना होवे जेब फिटी जावे मलिक साहब मेरी कटी गई है जलसे से मलिक साहब तू सा जरा बड़े दावे करे जो कि मैं बड़ा बड़ा इलेक्टेबल है मेरे टिकट दे तो मैं सीट जीतना मैं चैलेंज करेना मैं इमरान खान को चैलेंज करेना कि टिकट दे मलिक को इलेक्शन लड़के दिखा दे अपने हल्के इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवेरे 12 बजे अब्दुल कादर जिलानी एमएलए न होया मेरा नाम अब्दुल कादर मैं सब क्या करे जय अब्दुल कादर जिलानी जय अब्दुल कादर जिलानी मैं दावा करेना मैं एमपीए लगा पे मेरे को पता है मेरे हल्के की पोजीशन दा मेरे को पता है पूरी यूनियन काउंसिल दा मैं अब्दुल कादर जिलानी साहब पहले एमपीए लगा पे मैं सियासत छोड़ देता अगर अब्दुल कादर जिलानी इलेक्शन हार जावे सैयद अली अहमद जिलानी जो मर्जी हो गए चाहे रसागीर हो गए चाहे लोटा हो गए असा अपनी सफा सारे दोस्त मजबूत है असा अपनी सफा सरबंदी कर ली है असा अपना लाए अमल बढ़ा लिया है असा डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है और असा देखू इंशाल्लाह ताला 5 जुलाई का सूरज इंशाल्लाह ताला सादी फतह का सूरज इंशाल्लाह वक्त की किल्लत है। मैं चाहता तुसा अपने महबूब लीडर अब्दुल कादर जिलानी साहब की गाली सुनो मैं आखिर जहांगीराबाद की आवाम से नजर शेयर करेना और मुल्तान की आवाम से नजर शेयर करेना ये जरूर याद रखा है मुल्तान की आवाम ही हल्के की आवाम के 5 जुलाई को जब तुम अपना वोट कास्ट करन पोलिंग स्टेशन बैठो साड़ी खिदमात को याद रखा है साड़ी कुर्बानियां को याद रखा है साड़ी वफादारी को याद रखा है इंशाल्लाह मट्टी की मोहब्बत में हम अशफ्ता सरों ने मट्टी की मोहब्बत में हम अशफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे हमने तो वो कर्ज भी उतारे हैं असल तो वो खिदमत की है कि रिसालत वाजिब भी कह रही मैं तोरे तमाम आखिर बिरादरी का अहीर बिरादरी का इतना वसन वाली तमाम दोस्तों तमाम बिरादरिया का शुक्रिया अदा करना कि तुसा अज हिट थी गए हो और एक पोलिंग स्टेशन की जीत का एक पोलिंग स्टेशन की जीत की निशानी है बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया।